हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा शूज़ देखा है जिसको पहनने के बाद आपकी स्पीड और तेज़ हो जाएगी? और साउथ कोरिया का ऐसा ट्रेडिशन जिसमें दूल्हे को डंडे से मारा जाता है। आज आप इस वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ मैं लाता रहता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों वैसे तो हर देश में कोलगेट का एड दिखाया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेन में कोलगेट का ऐड पूरी तरह से बैन है, क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज में कोलगेट का मतलब होता है गो हैंग योरसेल्फ, जिसका मतलब है कि जाओ खुद को फांसी लगा लो। अब किसी भी देश की गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके सिटीजन को ऐसा ऐड दिखाया जाए जिसका लोगों पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। सो इसलिए कोलगेट का ऐड स्पेन में पूरी तरह से बैन है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर सफाई कर्मचारियों को डॉक्टर इंजीनियर से भी ज़्यादा सैलरी मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां सफाई कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं? और ये देश ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर सफाई कर्मचारी की इतनी डिमांड है कि उनको कंपनियां घंटे के हिसाब से सैलरी ऑफर कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में सफाई कर्मचारियों को औसतन 8 लाख रुपये पर मंथ मिल रहा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इसके बावजूद भी स्वीपर्स की कमी हो रही है। फैक्ट नंबर 3, आपने बहुत से अजीबोगरीब टैक्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने गाय के डकार पर लगने वाले टैक्स के बारे में सुना है? न्यूजीलैंड वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जो गाय के डकार और गैस छोड़ने पर टैक्स लगाएगा, और साथ ही भेड़ के पेशाब पर भी टैक्स लगाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट गाय और भेड़ के ऊपर ये टैक्स क्यों लगा रही है? न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह टैक्स लगा रही है। दरअसल गाय जब डकार लेती है तो उनके मुंह से मीथेन गैस निकलती है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती है। और भेड़ के पेशाब पर टैक्स इसलिए लगा रही है क्योंकि भेड़ के पेशाब में नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट इस टैक्स के पैसे का यूज़ रिसर्च के ऊपर खर्च करेगी ताकि क्लाइमेट चेंज से बचा जा सके। वैसे इस टैक्स के ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आज मैं आपको साउथ कोरिया में होने वाली एक ऐसे ट्रेडिशन के बारे में बताऊंगा, जिसे सुनकर गारंटेड आप हैरान होने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, जैसे हमारे देश की शादियों में जूता चुराने की रस्म होती है, वैसे ही साउथ कोरिया में भी एक रस्म निभाई जाती है जिसमें शादी के दौरान लड़के को अपनी मर्दानगी साबित करनी होती है, जिसके लिए लड़के को खूब पीटा जाता है। और पता है, लड़के को लकड़ी से बांध दिया जाता है और उल्टा लटकाकर पैर के तलवों पर डंडे से मारा जाता है, और इसके अलावा जूतों से भी मारा जाता है। इस ट्रेडिशन को निभाने की एक बड़ी वजह है, साउथ कोरिया के लोग मानते हैं कि अगर इस परंपरा में लड़के पास हो जाते हैं तो उन्हें आने वाले टाइम में कोई भी परेशानी नहीं होती, और साउथ कोरिया के लोग इस रस्म को काफ़ी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है US बेस्ड एक कंपनी जिसका नाम स्विफ्ट रोबोटिक्स है, जिसने अभी हाल ही में एक मून वॉकर्स नाम का शूज बनाया है, जो कि दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जूता है। और कंपनी का दावा है कि इस शूज़ को पहनने वाले की स्पीड 250% तक बढ़ जाती है। और इस शूज़ में एक खास AI काम करता है जिससे आपको इसका यूज़ करना सीखना नहीं पड़ेगा, बल्कि यह शूज़ खुद आपके चलने के बिहेवियर से सीखेगा। और इस शूज़ में 8 छोटे व्हील्स भी लगे हुए हैं, और साथ ही इसमें 300 वॉट का इलेक्ट्रिक मोटर्स भी लगा हुआ है, और इस शूज़ की प्राइस 1,15,000 के अराउंड है। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह फैक्ट कैसा लगा। तो दोस्तों, कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें, और हमारे जेड फैक्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।